नमस्कार छात्रों, मैं विभव साहू आप सभी का गणित शिक्षण की क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है गणित सीखने के उपकरण। गणित सीखने सिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? गणित सीखने सिखाने के लिए उपकरणों की जरूरत पड़ती है ना। उपकरण है या फिर हम क्या कहते हैं, सहायक सामग्री कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम सहायक सामग्री कहते हैं। जो हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सहायक सामग्री क्या होती है, ठीक है। आप यहाँ बता सकते हैं कि गणित सीखने के उपकरण क्या क्या हो सकते हैं, किस किन 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 उपकरणों का उपयोग गणित सीखने में किया जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात यही, गणित है विषय को स्पष्ट करना। गणित वैसे ही एक कठिन विषय होता है, गणित एक वैसे ही कठिन विषय होता है और छात्रों में विद्यार्थियों में उसके लिए रुचि बहुत कम होती है। घबराते हैं उससे, गणित से डरते हैं। उस डर को हटाने के लिए, उनके मन से उस डर को हटाने के लिए, उस विषय के प्रति रुचि लाने के लिए हम क्या करते हैं, इस विषय को मनोरंजक बनाते हैं, रुचिकर बनाते हैं, है ना, इंटरेस्टिंग बनाया जाता है इसको, ताकि अधिक से अधिक छात्र, अधिक से अधिक विद्यार्थी गणित विषय में अपनी रुचि दिखा सके और गणित विषय लेकर आगे पढ़ सके, ठीक है ना। देखिए इसी के लिए हम आगे देखने जा रहे हैं, इस विषय को जटिल से सरल करना है, इस विषय को जटिल से सरल बनाना है ना, सुगम बनाना है ना, और मनोरंजक बनाना है। इन सब के लिए हम क्या करते हैं, सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं, उसी को हम कह देते हैं आवश्यक उपकरण, है ना। आवश्यक उपकरण ये कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के नहीं होते। हम जब पढ़ते हैं कि किताबों में दिया रहता है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कितने उपकरण वहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है ना, कितने उपकरण होते हैं वो हम किताबों में पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से। लेकिन अगर आप डेली लाइफ में, है ना, डेली की जिंदगी में, है ना, डेली की दिनचर्या में, है ना, दिन प्रतिदिन दिनचर्या में आप उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि गणित का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं और वो उपकरण किस टाइप से हो सकते हैं, किस प्रकार से हो सकते हैं। आप अपने घर में ही देखिए, आप अपने घर में ही देखिए, जो गैस चूल्हा बनता है वो गैस चूल्हे में क्या रहता है, वो भी गणित का काम कर सकता है कि नहीं, करता है। सिलेंडर लगा होता है, उससे पाइप लगी होती है, पाइप भी क्या होती है आपके पास, वो भी कुछ सेंटीमीटर या मिलीमीटर के हिसाब से उस पाइप को बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसको कनेक्ट किया जाता है। लंबाई ज्यादा है, लंबाई कम है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो घर में प्लेटफॉर्म बना होता है उसके ऊपर निर्भर करता है ना। तो और क्या किया रहता है, आप देखते हैं बहुत सारे जो गैस चूल्हे होते हैं, गैस चूल्हे में क्या रहता है, किसी किसी में हमारे पास दो चूल्हे दिए जाते हैं, किसी में तीन चूल्हे रहते हैं, किसी में एक चूल्हे रहते हैं। तो इन सब कैसे मेजर किया जाता है, इन सब को उसके हिसाब से मेजर करके बनाया जाता है। तभी लोग कहते हैं कि हमारे पास दो चूल्हा रहे तो इस आकार का गैस चूल्हा रहेगा, अगर सिंगल वाला रहे तो इस आकार का रहेगा, अगर ट्रिपल वाला है तो वो किस आकार का रहेगा। तो इन सब में हमको क्या लगाना पड़ता है, गणित लगाना पड़ता है। आप अपने घर के दरवाजे देखिए, दरवाजे जो बने होते हैं, सभी के घर का दरवाजा एक साइज का होता है क्या, एक आकार का होता है, एक आकृति होती है? नहीं, सभी के घरों में जो दरवाजे होते हैं, जो उसकी आकृति होती है, जो उसका आकार होता है, साइज होता है, वो सब क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। वो घर जब बनता है तो उसके ऊपर निर्भर करता है या घर के मालिक पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से और किस आकार का वो दरवाजा बनाना पसंद करता है, किस आकार का वो खिड़की बनाना पसंद करता है ना। तो इन सब चीजों में क्या लगता है, इन सब चीजों में भी हमारे पास क्या लगता है, गणित का ही उपयोग होता है। इसीलिए कहा गया है कि गणित वाच, गणित के लिए हम क्या लिखेंगे, गणित सिखाने के उपकरण लिखेंगे, गणित सिखाने के उपकरण जो हमारे आसपास जुड़ा हुआ है, जो हमारे आसपास जुड़ा हुआ है और कुछ किताबों में हमको पढ़ने को मिलता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये गणित विषय को हम क्या करते हैं, गणित विषय को सरल बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए, है ना, मनोरंजक बनाने के लिए, है ना, जटिल से सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सहायक सामग्रियों का उपयोग करते हैं। जो भी सहायक सामग्री उपयोग करते हैं वही उसके उपकरण कहलाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, उसके उपकरण कहलाते हैं, जिससे विद्यार्थियों में गणित के प्रति क्या आती है, रुचि आती है, उसके पीछे उसके पीछे उनमें इंटरेस्ट आता है, वो गणित विषय में अपनी रुचि दिखाते हैं और उस विषय पर हम अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है। देखिए इसी प्रकार से हम कह सकते हैं गणित सिखाने के लिए हमारे पास कई प्रकार के उपकरण होते हैं, जिसमें से कुछ उपकरण हम ये देख सकते हैं। पहला कहता है आपके पास वास्तविक वस्तुएं, वास्तविक वस्तुएं, ये सबसे बड़ा तथ्य है ना, ये सबसे बड़ा तथ्य है। कैसे कह सकते हैं, वास्तविक वस्तुएं मतलब जो हमको दिखाई देता है, जो हमको वस्तु दिखाई देती है, उसके माध्यम से हम उसे बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, किसी भी विद्यार्थी को या किसी भी गणित के छात्र को हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं,
और बहुत अच्छे से हम उसको बता सकते हैं। देखिए पहला क्या है आपके पास, ये वास्तविक वस्तुएं, वास्तविक वस्तुएं। क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट वास्तविक वस्तुओं में, देखिए क्या कहता है यहाँ पे, अगर आप देखे तो एक मनोवैज्ञानिक तथ्य होता है ना कि ज्ञान को, किसी भी ज्ञान को अगर हम मौखिक समझाएं, अगर उसको हम मौखिक समझाएं बिना कुछ दिखाए या बिना कुछ प्रैक्टिकल कराए, मौखिक ही समझा लें तो वो समझ में तो आता है लेकिन किसी को समझ में नहीं आता, किसी को पूरी तरह समझ में नहीं आता या किसी को थोड़ी थोड़ी समझ आती है, तो उसको हमको पूरी तरह समझाने के लिए और उसमें रुचि लाने के लिए हम क्या करते हैं, वस्तुओं का उपयोग करते हैं। देखिए जैसे आपके पास कहता है ये यहाँ पर दिया गया है ना, कि यदि अध्यापक विद्यार्थियों को सिक्के बांट पैमाना आदि प्रश्नों को हल करते समय दिखाता है तो विद्यार्थी गणित के प्रमुख तथ्यों को भलीभांति समझ लेते हैं। शिक्षक का कर्तव्य है कि विद्यार्थी को क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई आदि का ज्ञान कराने के लिए वास्तविक मैदान आदि पर ले जाए और उनको विद्यार्थियों को नपवाए, ठीक है ना। देखिए वास्तविक वस्तु के बारे में कहता है, ठीक सिक्का दिखाए, अगर हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं क्या करूँगा, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं है ना, जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनको मुझे गणित सिखाना है तो मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे सिक्के इकट्ठे कर लिए, बहुत सारे कहने का मतलब नहीं 15-20 सिक्के मैंने इकट्ठे कर लिए और सभी छात्रों को बांट दिए। अब मैंने पूछा कि आपके पास कितने रुपए हैं, कितने कितने रुपए किससे किसके हिस्से में कितने कितने रुपए चलेंगे। अब मैंने कहा लास्ट में चलिए इकट्ठा करिए सबको, सब इकट्ठा किए तब कितने रुपए बने, तो इससे क्या होता है उनमें रुचि आती है, सिक्कों को गिनते हैं या फिर आप कहें लंबाई चौड़ाई या क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो आप किताब के हिसाब से कह रहे हैं या मैं कह रहा हूँ उसको, अगर मुझे लंबाई चौड़ाई नापनी है या मीटर बतानी है कितनी सेंटीमीटर है कितनी ऊंचाई है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मैं स्केल दिखा तो उससे हो जाएगा क्या, छोटे बच्चों को सिर्फ स्केल दिखाने समझ नहीं आता, ठीक है उनको आपको उसके पीछे कुछ वस्तुएं दिखानी पड़ेगी और उसके पीछे उनको प्रैक्टिकल करा के बताना पड़ेगा। जैसे आप उदाहरण से ले सकते हो, आपका क्लासरूम जो आपकी कक्षा है उसी को आप ले सकते हो, आप विद्यार्थियों को कह सकते हो कि आपको कक्षा का मापन करिए, कितना क्षेत्रफल दिया है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये सब आप बता सकते हो। स्कूल में क्लास में बेंचेस लगे होते हैं, जो टेबल लगा होता है उस टेबल का साइज बताया जा सकता है, उसका मेजरमेंट करके उसका मापन करके भी हम छात्रों को समझा सकते हैं, ये वास्तविक वस्तुएं होती है जिसको हम दिखाकर उसका मापन करके मेजरमेंट करके बता सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं खेल का मैदान, जहाँ खेल का मैदान है उस ग्राउंड में आप बच्चों को ले जाकर समझा सकते हैं कि कैसे मेजरमेंट किया जाता है, कैसे मापन किया जाता है, कैसे उस एरिया का, कैसे उस क्षेत्र का हम क्या निकाल सकते हैं, उसका लंबाई निकाल सकते हैं, उसका चौड़ाई निकाल सकते हैं, अगर कोई ऊंची वस्तु है तो हम उसकी ऊंचाई तक भी निकाल सकते हैं, लेकिन किस माध्यम से कि बच्चों को वो चीज़ें दिखा कर हम निकाल सकते हैं, बच्चों को अगर हम वो चीज़ें दिखाएं तो वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से उसको समझा सकते हैं। दूसरे कोई बच्चे जो विद्यार्थी रहते हैं जिनको समझ में आएगा देखने के बाद, वो दूसरों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि नहीं कि हमारे क्लासरूम का लंबाई इतना है, चौड़ाई इतनी है या फिर इसकी ऊंचाई इतनी है करके, ठीक है ये होता है वास्तविक वस्तुओं के लिए, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा कहता है श्याम पट तथा चौक से, क्या दिया है श्याम पट, दूसरा कहता है आपके पास ये श्याम पट, श्याम पट तथा चौक। श्याम पट तथा चौक ये कैसे बता सकते हैं, देखिए आपके पास ये लिख के दिया है, पहले मैं उसको रीड करता हूँ उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा उसको, ठीक है। कहता है गणित शिक्षण में सर्वाधिक महत्व श्याम पट का है, श्याम पट के अभाव में गणित शिक्षण की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसके अभाव में गणित का शिक्षण संभव नहीं है, श्याम पट पर लिखी बातें मौखिक बातों की अपेक्षा अधिक प्रभावी होती है, सामूहिक कार्य के लिए श्याम पट का उपयोग विशेषकर लाभदायक सिद्ध होता है, इसका उपयोग विद्यार्थी से भी करवाया जा सकता है क्योंकि कक्षा के समस्त विद्यार्थियों के समूह जब विद्यार्थी श्याम पट पर गणित के प्रश्न हल करता है तो उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। अब देखिए मैंने कहा दूसरा श्याम पट तथा चौक, श्याम पट तथा चौक। देखिए जब भी हम गणित पढ़ते हैं, गणित की बाकी छोटे बाकी विषयों को भी हम लेके चलते हैं,
तो उसमें हमको क्या होता है, कुछ चीजों को अगर हम यहाँ स्याह पढ़कर ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को देख कर पढ़ाए देख कर समझाए तो उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। अगर मैं यहाँ पे गणित की बात करूँ तो गणित को अगर मुझे क्या करना है, अगर एक बच्चे को मैंने दिया कि बेटा आप क्या करिए 25 को आप 4 से गुणा करिए, तो इसको अगर मैं मौखिक कहूँ 25 को 4 से गुणा करिए तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं ये कह देता हूँ 25 को आप 4 से गुणा करिए, है ना, गुणा कीजिए। तो क्या करेगा, तब जो लगता है यहाँ को लिखेगा और उसको समझ में आता है कि मुझे क्या करना है, 25 को मुझे 4 से गुणा करना है, तब वो क्या लगाएगा आपके पास फार्मूला लगाता है 25 × 4 क्या करेगा वो 4×25 लगाएगा 0 और ये हो जाएगा आपके पास 2 और 4×4 = 8 8×2 = 10 जाएगा अपने पास 100। वो बताया इसने कितना 25×4 = 100। अब इसी में दूसरा प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि 15 और 14 को जोड़िए, 4×5 = 9 = 19। इस टाइप से क्या होता है, जो प्रश्न हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, जो स्याम पट पर लिखा जाता है, उसको हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सामने हमको दिखाई देता है, हमको सामने दिखाई देता है और हम उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि कौन सा प्रश्न किस टाइप से बनता है, गुणा कैसे बनता है, जोड़ना कैसे बनता है, घटाना कैसे होता है, भाग कैसे होता है, ये सब हम उसमें अच्छे से बता सकते हैं कुछ उदाहरण के साथ और कुछ उसके जो हमारे पास क्या रहते हैं उसके थ्योरी रहती है, उस थ्योरी के साथ हम उसको समझा सकते हैं और यहाँ पर हम उसको लिख कर बता सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर हम किसी विद्यार्थी को गणित का प्रश्न हल करने के लिए दे भी देते हैं, चलिए आप एक काम करिए कि आप 25×4 ब्लैक बोर्ड पे हल करके बताइए, है ना, श्याम पट पे हल करके बताइए, तो वो विद्यार्थी क्या करता है, ब्लैक बोर्ड पे आएगा, वो उस प्रश्न को हल करता है, उस प्रश्न को हल करता है तो कक्षा में बैठे दूसरे विद्यार्थियों के अंदर में क्या होती है, आत्मविश्वास जगता है। जो वहां पे प्रश्न को हल करता है उसके अंदर तो आत्मविश्वास रहता ही है, उसको देख के जो विद्यार्थी कक्षा में बैठे रहते हैं उनका भी आत्मविश्वास बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, एक विद्यार्थी ने बैठ के उस प्रश्न को हल कर दिया, इसमें ब्लैक बोर्ड में भी सभी के सामने, सब विद्यार्थियों के सामने, जहां पे कभी कभी गलत होने की गुंजाइश भी रहती है, जो हम प्रश्न हल करते हैं वो गलत होने की गुंजाइश भी रहती है अगर हमको ठीक से नहीं आता तो, ठीक है, अगर ठीक से आता है तो गलत नहीं होता, लेकिन अगर ठीक से वो प्रश्न हम हल नहीं कर पाते तो हमसे गलती भी होती है, तो उसमें क्या होता है, वो आत्मविश्वास आता है कि हमने अपना काम ब्लैक बोर्ड में करके आए, शाम पढ़ते हम करके आगे करके उसके साथ जो क्लास में बैठे विद्यार्थी हैं उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है, एक आत्मविश्वास उसके अंदर भी जगता है। इसीलिए श्याम पट का काम होना चाहिए, श्याम पट का काम होना चाहिए, बिना श्याम पट के हम गणित को समझा ही नहीं सकते, वो संभव नहीं है। मौखिक हम इतना भी समझा ले, मौखिक समझाने पर वो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता। आपकी कक्षा में अगर 50 विद्यार्थी हैं तो 50 में अगर 10 विद्यार्थी मौखिक समझ लिए तो बहुत अच्छी बात है, है ना, नहीं तो फिर क्या होता है, वो उनको समझ नहीं पाते। सिर्फ क्या होता है, इसलिए गणित शिक्षण में ब्लैक बोर्ड का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, उसके बिना गणित गणित के प्रश्नों को हल करा पाना या समझा पाना संभव नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए आगे से भी देखते हैं और क्या कहता है। आगे कहता है गणित संबंधी उपकरण क्या कहें, देखिए आपको गणित संबंधी उपकरण के लिए हम बता सकते हैं गणित संबंधी उपकरण के लिए क्या होता है। तीसरा आपको कहता है गणित संबंधी उपकरण, गणित संबंधी उपकरण, ठीक है। तीसरा आपको कहता है गणित संबंधी उपकरण क्या होता है, खास यहाँ पे गणित संबंधी उपकरण क्या करता है, देखिए मैं इसको पहले पढ़ के बताता हूँ आपको, उसके बाद मैं इसको आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये कहता है गणित शिक्षण में कुछ गणित संबंधी उपकरणों का भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे स्केल, प्रकार, शाखा, मीटर, डिवाइडर, फीता, घनाकार तथा आयताकार टुकड़े आदि। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए वाल फ्रेम की आवश्यकता होती है। आजकल दूरदर्शन और चलचित्र को भी शिक्षण का प्रभावी संसाधन माना जाता है, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, दूरदर्शन तथा चलचित्र का महत्व इस कारण अधिक है क्योंकि
इसमें दृश्य दिखाई देने के साथ साथ आवाज भी सुनाई देती है। बड़े संबंधित टेलीफिल्मों का निर्माण देश की हिंदी भाषा में ही होने लगी है और अभी इसका उपयोग प्राथमिक स्तर पर नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या कहा समझ में आया? तीसरा कहना है बड़ी संबंधित उपकरण। देखिए जब हम क्या करते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चों को या पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों को समझाया जाता है। ठीक है, पूर्व प्राथमिक स्तर, उसके बाद क्या कहते हैं कि हमारे पास पूर्व माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, है ना, इस टाइप से होता है। सबसे पहले हमें कहाँ सिखाना होता है, प्राथमिक स्तर पर सिखाना होता है, उससे पहले पूर्व प्राथमिक स्तर पर सिखाना होता है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो गणित के उपकरण होते हैं, जो गणित के उपकरण होते हैं उनको हमको विद्यार्थियों को दिखाना पड़ता है, तब वो ज्यादा अच्छा समझ पाते हैं। जैसे हमारे पास क्या दिया जाता है, प्रकार दिया जाता है, ठीक है, प्रकार दिया रहता है ना, स्केल दिया रहता है, आयताकार वृत्ति होते हैं, आयाकी आयताकार वृत्ति, आयताकार वृत्ति, ठीक है, घनाकार वृत्ति भी होते हैं, घनाकार वृत्ति। इस टाइप से क्या होते हैं, हमारे पास चाला है, प्रकार है, स्केल है, डिवाइडर है, आयताकार वृत्ति हो सकते हैं, घनाकार वृत्ति हो सकते हैं, ये सब क्या है हमारे पास गणित संबंधी उपकरण होते हैं। स्केल है जिससे हम क्या करते हैं, कोण बनाना, मापन करना, है ना, सेंटीमीटर बताते हैं, मीटर बताते हैं, इसके पीछे क्या बताते हैं, फिट बताया जाता है। आयताकार वृत्ति होते हैं उसे बताया जाता है कि आयत कैसे होता है, आयताकार कैसे होता है, घना बताते हैं तो घनाकार कैसे होता है और घन कैसे होता है। इन सब विषयों के बारे में हम क्या कर सकते हैं, बड़े अपनी जो वस्तुएं रहते हैं या उसके समान रहते हैं उसके सहारे हम बता सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या बड़ी संबंधी उपकरण हो सकते हैं। वर्तमान में आपके पास बहुत सारे उपकरण है, टेप रिकॉर्डर है, वीडियो है ना, दूरदर्शन हो गया। अब तो आप देखिए कि डीटीएस सेवा जो चलती है उसमें क्या है, हर क्लास के बच्चों के लिए क्लास, एक्स्ट्रा क्लास उसमें चलते रहती है, वो दूरदर्शन जो प्रसारित करती है या अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग विषयों में, वहाँ पे सारे आपके डीटीएस चैनल पे पूरे जो भी कक्षा के लिए आप चाहें उसमें आपके पास वो दिखाया जाता है आज के समय में। उसमें एक फायदा ये है, उसमें चित्र भी दिखाई देती है, आवाज भी सुनाई देती है, और वो बनता कैसे है उसके बारे में वो मॉडिफाई करके उसको बनाकर दिखाता है, या फिर उसको 3D प्रिंट के सहारे क्या करते हैं उसको बनाकर दिखाया जाता है कि ये बनता कैसे है और चलता कैसे है करके। ठीक है, अब देखिए इसी में आगे क्या लिखते हैं, आगे हमको दिया है चौथा, कहता है चित्र, रेखा चित्र चार्ट। ये कह रहा है आपको चित्र, रेखा चित्र व चार्ट। ठीक है, क्या कहेगा आपको यहां से, चित्र, रेखा चित्र व फिर चार्ट के बारे में कहता है। तो इसमें आप कैसे बता सकते हैं, देखिए प्राथमिक स्तर पर जब बच्चों को सिखाना या समझाना होता है तो हम सबसे ज्यादा किसका उपयोग करते हैं, चित्रों को दिखाकर, रेखा चित्रों को दिखाकर या फिर चार्ट पेपर को दिखाकर। चित्र, चित्र कहने का मतलब देखिए, आप सिर्फ गणित शिक्षण की बात ना करें, सभी विषयों की बात करते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, जब बच्चों को कहानी सुनानी होती है, जैसे अभी के समय में प्राथमिक पूर्व प्राथमिक शालाओं में दीवारों पे देखिएगा, दीवारों पे कविताएं लिखी होती है, साथ में क्या रहता है, चित्र बना हुआ होता है, चित्र बना हुआ होता है, जो कविता लिखी है उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग क्या है, वो चित्र भी वहां पर बना हुआ दिखाई देता है। गणित विषय के बारे में आप देखेंगे तो दीवारों में क्या रहता है, उसका रेखा चित्र बना के दिखाया जाता है कि त्रिभुज कैसे दिखता है, आयत कैसे दिखता है ना, घन कैसे दिखता है, आयतन कैसे दिखता है ना, कोण जब बनते हैं तो 90 अंश का कोण कैसे दिखता है, अधिक कोण कैसे दिखता है, न्यून कोण कैसे दिखता है, ये सब किसके माध्यम से बताया जाता है, रेखा चित्र के माध्यम से। अब कहे चार्ट पेपर की बात, चार्ट पेपर में क्या होता है, छात्र आज के समय में क्या होता है, जो स्कूल में हम देखते हैं चार्ट पेपर, बच्चों को गिनती सिखाना होता है या पहाड़ा सिखाना होता है या कोई टेबल बताना होता है, ABCD सिखाना होता है, या फिर जो अक्षर जो होती है अपने पास वर्णमाला होती है उसके बारे में बताना होता है। तो हम किसके सहारे सिखाते हैं, चार्ट पेपर के सहारे सिखाते हैं।
या फिर वर्तमान समय में प्राथमिक और प्राथमिक स्कूलों में देखिएगा आप जब जाएंगे तो दीवारों पे भी एबीसीडी लिखा हुआ है चार्ट पे, या फिर क्या लिखा रहता है उसमें जो वर्णमालाएं हैं आखावा जो वर्णमालाएं होती हैं उनको भी अब दीवारों पर पेंटिंग के सहारे उसको बनाया जा रहा है। जो चार्ट पेपर है उसको हटा के उसको पेंटिंग का रूप दिया जा रहा है। इसमें क्लासरूम में जो कक्षा होती है उन कक्षाओं में उसका पेंटिंग किया जा रहा है और कहानी भी वहाँ बनाई जा रही है। कुछ महापुरुषों के बारे में अगर बताते हैं तो महापुरुषों की वहाँ पे क्या रहती है चित्र भी बनाकर दिखाई जा रही है। ठीक है, ये हो रहा है किसके माध्यम से चित्र रेखा चित्र वाला इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। अब हमको पूछा गया है गणित का, तो गणित के बारे में हम क्या बता सकते हैं इसमें, उसका त्रिभुज बता सकते हैं, आयत बता सकते हैं, गोला बता सकते हैं, अर्धगोला कैसे बनता है इसके बारे में बता सकते हैं, है ना, शंकु कैसे बनता है, आयतन कैसे बनता है, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, है ना, वर्ग क्या है, इन सब इन सारे का चित्र हम आकर दिखा सकते हैं इसके सहारे, रेखा चित्र के सहारे या फिर चार्ट पेपर के सहारे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है इसमें, मॉडल या प्रतिरूप, मॉडल या क्या कहता है आपको प्रतिरूप, पांचवा आपको दिया है इसमें मॉडल या प्रतिरूप, प्रतिरूप। ठीक है, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं मॉडल या प्रतिरूप में हम क्या कर सकते हैं कि हम गणित शिक्षण से जुड़े हुए, गणित शिक्षण से जुड़े हुए वस्तुओं का, गणित शिक्षण से जुड़े हुए वस्तुओं का हम क्या बना सकते हैं उसका उपकरण बना सकते हैं, उसका मॉडल बना सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, हम दिखा सकते हैं वर्तमान का, अगर आपको आयत दिखाना हो तो आपके पास फोन है, वर्ग दिखाना हो तो आपके पास वर्तमान में टीवी का आकार रहता है, या कोई गुटका है जिसका हम क्या बना सकते हैं मॉडल बनाकर हम वहाँ पे बता सकते हैं, मॉडल है या उसका प्रतिरूप बनाकर हम बता सकते हैं दिखा सकते हैं, जिससे बच्चों को बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसमें आगे भी क्या दिया है देखते हैं, इसमें आगे आपके पास ये देता है गणित संग्रहालय, गणित संग्रहालय का मतलब क्या होता है लैब, है ना, गणित का जो लैब होता है प्रैक्टिकल लैब, ये हो जाएगा आपके पास जाएगा छठे नंबर में गणित संग्रहालय, गणित संग्रहालय, गणित संग्रहालय। यहाँ पे क्या करते हैं जो गणित को उपकरण रहते हैं वहां पे हम क्या करते हैं जो गणित के उपकरण रहते हैं उसका हम क्या करते हैं संग्रहण करते हैं। संग्रहण कहने का मतलब एक आप लैब से बना लीजिए, वर्तमान समय में चल रहा है ये कि बहुत सारे सीबीएसई स्कूल है या एससीईआरटी स्कूल है, एनसीईआरटी स्कूल है, वहां पे गणित शिक्षण के लिए अब लैब बनाया जाता है, वहां पे क्या लिखा जाता है कि आयत का चित्र बना है, आयतन का बना है, इन सब के बारे जो मॉडल है, है ना, इन सारे मॉडलों को वहां पर संग्रहण करके रखा जाता है ताकि जब बच्चों को सिखाना होता है तो उनको उस लैब में ले जाया जाता है और दूसरों में उनको दिखाकर समझाकर वो पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्या कहते हैं देखिए लास्ट में, ये लास्ट है आपका सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण, सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण, सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण का निर्माण, सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण। यहाँ पे हम कह सकते हैं सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण के लिए कि गणित शिक्षण में जो प्रकरण हमको मिलता है, प्रकरण कहने का मतलब जो विषय जो टॉपिक हमको मिलता है उस विषय के बारे में हमको क्या पढ़ना पड़ता है शिक्षण सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है, उसको हमको एकत्रित करना पड़ता है उस विषय को समझाने के लिए, उस विषय को बताने के लिए। जैसे हमको कह दिया गया रेखा गणित क्या है तो रेखा गणित बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे हमको रेखा चित्र बनानी पड़ेगी, उसके पीछे उसका मॉडल बताना पड़ेगा, उसका चित्र बनाना पड़ेगा, उसका चार्ट बनाना पड़ेगा कि जब हमारे पास रेखा गणित पढ़ते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं रेखा गणित में, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, त्रिभुज क्या है, आयत क्या है, अधिक कोण क्या है, कोण क्या है, इन सब चीजों का हमको क्या बनाना होता है रेखा चित्र बनाना होता है, चार्ट बनाना होता है, साथ में क्या बनाना होता है उसका मॉडल या उसका प्रतिरूप बनाकर हमको दिखाना होता है, उसको हम क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं। ये ज्यादातर डीएलएड और बीएड के जो छात्र छात्राएं होती है, जो विद्यार्थी होते हैं, जब इनका एग्जाम होता है, एग्जाम कहने का मतलब जो टीचिंग का एग्जाम होता है, फाइनल टीचिंग का एग्जाम होता है, उस समय हमको देखने को मिलता है एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक पर क्या करते हैं वो मॉडल इकट्ठा करते हैं, मॉडल बनाते हैं, रेखा चित्र बनाते हैं, उसके हिसाब से वो अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। तो इस टाइप से क्या होना चाहिए जो वर्तमान में स्कूलों में शिक्षक है उनको भी बनाकर
बच्चों को सिखाने के लिए एक लैब बनाए और लैब में बनाकर आप इन सब चीजों का संग्रहण करें और जितने भी सहायक शिक्षण सामग्री है उसको भी लैब में आप इकट्ठा करें और उसके हिसाब से आप विद्यार्थियों को आगे इसके बारे में आप बता सकते हैं कि गणित विषय को आप सरल सुगम कैसे बना सकते हैं और विद्यार्थियों में गणित के पीछे या गणित के विषय के पीछे उसमें रुचि कैसे लाए। ठीक है, ये था हमारा आज का गणित सीखने के लिए उपकरण के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, अगली क्लास में हम और जो गणित के विषय के बारे में हो। ठीक है, धन्यवाद।